जब से गांव से लौटा है अजीब सी हरकतें कर रहा है। वीडियो के टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं बल्कि उसमें भूत घुस गया है। लेकिन फिर भी बच्चे की माँ बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, दिस इज समथिंग बियॉन्ड साइंस। फिर बच्चे की माँ थक हार कर वापस घर आ जाती है। एक दिन बच्चे की माँ को पड़ोस की एक आंटी बोलती है, ढोलकपुर के जंगल में एक ढोने वाले मामा रहते हैं, तू अपने बच्चे को उनके पास लेकर जा, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। इतना सुनकर बच्चे की माँ बच्चे को धोनी वाले बाबा के पास ले जाने को फौरन तैयार हो जाती है। अब आगे अघोरी इस बालक को देखते साथ ही समझ गया था कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ चुका है। क्या? मेरा बच्चा! बाबा, आप इस प्रेत आत्मा को मिटाकर मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए बाबा। इस आत्मा को मिटाने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा और इससे लड़ने की शक्ति मुझमें नहीं है। क्या मतलब? मैं क्या यहाँ गार्ड बनाने आई हूँ? हाँ, मेरे बच्चे को ठीक करो, कुछ भी करके, मुझे नहीं पता। मैं इस आत्मा का शरीर बदल सकता हूँ पर इसे मिटा नहीं सकता। मतलब कि आत्मा मेरे बच्चे के शरीर से निकलकर किसी और के शरीर में घुस जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है बाबा जी, इतना ही कर दीजिए, कम से कम मेरे बच्चे के शरीर से तो निकल जाएगी, बाद में जाके किसी के भी घर में घुस जाए, मुझे उससे क्या मतलब है। इस विधि को पूरा करने के लिए इस बालक के तन का एक कपड़ा मुझे चाहिए। देखिए ना, यहाँ तक आते आते पूरा कपड़ा फाड़ दिया है, खाली इसका चड्डी बचा हुआ है। ठीक है, वही दे दो। हाँ हाँ, एक मिनट, ये लीजिए बाबा। शरीर का एक बाल भी मुझे चाहिए। शरीर का बाल? रहने दो, बाल इसमें है। साला भूत भगाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। पेशाब को कहते हैं मूत, भूत तेरी माँ की जूत। ये लो, इस कपड़े को रास्ते में कहीं गिरा देना, जो व्यक्ति इस पर पैर रखेगा भूत इस बालक के शरीर से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। थैंक यू बाबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे मेरी दक्षिणा तो दे दो। अरे हाँ, जा बेटा उधर जाके खेल, मैं भी आती हूँ। अरे मूर्ख, ये क्या कर रही हो? अरे बाबा, दक्षिणा निकाल रही हूँ, कौन सा लेंगे पहले, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे मैं उस तरह का बाबा नहीं हूँ, दक्षिणा मतलब कुछ पैसे या भोजन दे दो। ओहो, पहले बोलना था। इस बालक की तो रक्षा कर ली मैं, पर अगर ये आत्मा किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति में प्रवेश कर गई तो यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी। इस कपड़े को यहीं गिरा देती हूँ। हे भगवान, जल्दी से इस पर किसी का पैर पड़ जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आज तो मॉर्निंग वॉक करके बहुत मजा आया, कितना सुहाना मौसम है। बेबो मैं बेबो, पता नहीं मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ, मुझे तो खुद से ही जलन होती है। कितनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर, तेरे सामने से प्रॉपर्टी देख के आता हूँ।
कहाँ जा रही है चमक छल? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट ज़रूर करने यार, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो यार लाइक ज़रूर कर देना यार प्लीज़। साथ में अकेले मत दिखो यार, दोस्तों को भी दिखाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, किसी फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ मन करे वहाँ। और भूतियापा का ये पहला एपिसोड था, इसके बाद और भी एपिसोड्स आएंगे, तो जुड़ जाओ मेरे साथ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो यार, और सपोर्ट करो यार प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।